ऐसे ना लक्के में डक डक एनी जाओ अन्ना स्टार वेडियो पिंको दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है सोलो प्ले के साथ। पहले आव्या ने किया, फिर अब आयरा कर रही है और कुछ चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि फुटबॉल के साथ जैसे वो प्ले कर रही है, तो जनरली बचपन में हम लोगों ने इतना भी नहीं किया जैसे वो कैच कर पा रही है, वो चीज़ें मुझे देख के अच्छा लग रहा है। और इसके बाद का जो सीन है अभी आप देख रहे हो कि कई बार आती है आव्या कि चलो अभी वॉल्यूम कम कर दो, चेंज कर दो, चीज़ें कर दो, तो लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया और उसने बहुत अच्छे से ग्रैस्प किया। मतलब उसको चीज़ें बहुत बार नहीं करनी पड़ी, रिपीट नहीं करनी पड़ी, एक बार में ही उसने कर लिया। और उसका जो फेवरेट है फ्रोजन, तो अभी देख रही है और सबसे अच्छी बात है कि दोनों इंगेज हैं और चीज़ें देख रहे हैं, तो थोड़ा मुझे भी अपने काम करने के लिए टाइम मिल जाता है और ये खुश तो मैं खुश, तो अब ये दोनों खुश, तो उसके बाद से सारी चीज़ें जो होती है सेटल हो जाती हैं और मैं अपना काम एटलीस्ट कर पाता हूँ, जो मैं आपको दिखाऊँ चीज़ें, आर्ट का हुआ या फिर ब्लॉगिंग की हुई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देख के तो मैं बहुत ही शॉक रह गया, जैसे अभी आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मा आई है घर पे और कुछ ना कुछ कैरी बैग में लेके आई है। और वो चीज़ें जब मैंने यहाँ पे देखा और जैसे वो पता नहीं कैसे उसने किया है वो चीज़ें, अब ये कहाँ से कैरी बैग आया और कब उसने ये चीज़ें की, और मैं बेडरूम से जब बाहर आया तो देखा तो ये कुछ अलग ही है। मतलब मुझे लगा कुछ तो भी होगा, कुछ सामान होगा, और यहाँ पे कुछ और ही सीन था। देख के मैं बिल्कुल ही लिटरली मैं शॉक्ड हो गया, शॉक से ज़्यादा मैं डर गया, वो चीज़ें हिली तो। और इसके बाद हम लोग थोड़ा गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम नेटिव में जाने वाले हैं, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, या तो वो गोद में रहते हैं या फिर स्ट्रिक्टली हम लोग उसको कहते हैं कि दोनों बच्चों को कि तुम लोग साथ में रहो, कहीं हिलो मत। लेकिन एक शॉप ऐसा था जहाँ पे एक जोन ही था बच्चों के लिए, जो यहाँ पे वो लोग जाके बैठ के अपना मस्ती कर रहे थे और हमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुई, वो लोग अपना इंगेज रहे और खेला उन लोगों ने। कभी कभी शॉपिंग में हम लोग जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि चलो अभी निकलो यहाँ से, हम लोग यहाँ पे अभी नहीं रहेंगे, मीन्स कि उनको उतना कंफर्ट जोन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंफर्ट जोन मिला, लेकिन लगा कि हाँ चलो बच्चों ने भी खेला और हम लोगों की भी शॉपिंग थोड़ी बहुत हो गई है। इसके बाद आ गए हम लोग काइट, जो कि काइट फेस्टिवल है, इनके नेक्स्ट डे स्कूल में फेस्टिवल भी होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोगों ने काइट जो है वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बाय करना था और उसको पसंद नहीं आ रहा था, छोटी चाहिए बड़ी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक या दो ऑप्शन होते हैं तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपके पास जब प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा तो बच्चों को नहीं, हमें प्रॉब्लम आती है, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, फ्रोजन चाहिए, छोटा भीम चाहिए, बड़ा भीम चाहिए, कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हमें दिखे और उसमें से कुछ जो थे स्पेसिफिक हम लोगों ने चूज़ किए आव्या के अकॉर्डिंग, वरना हम घर आसानी से नहीं जा सकते थे। और अगली सुबह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो दिन का व्लॉग मैंने बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे आव्या ने जो उनका स्कूल है वो चालू हो चुका है और यहाँ पे वो अभी आप देख रहे हो कि उन्होंने एक ड्राइंग कंपटीशन भी है, उसमें वो पार्टिसिपेट भी किया और बहुत अच्छे से किया, मींस कि मैंने नॉमिनल हेल्प किया और इसने बहुत अच्छे से जो ड्राइंग है, कलर्स हैं, वो अच्छे से किया। आज मैं आप लोगों को बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्पेशली आईफोन यूज़र्स के लिए। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ आज और इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या फिर आपको ये बता रहा हूँ मैं, कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा और शायद आगे होगा, तो ये चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आज मैंने बताया कि आज ही मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा कि आज चलो भाई शाम को तो वैसे भी ख़त्म हो जाता है चार्जिंग, तो चलो चार्ज में लगाते हैं। लेकिन वो चार्ज में मैंने लगाया तो फिर वो चार्ज में अंदर घुस ही नहीं रहा है पोर्ट, जैसे भी आप देख रहे हो कि जो ऐसे पोर्ट है और इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ये इंसर्ट ही नहीं हो रहा, यहाँ तक ही रुका हुआ है बहुत। इनफैक्ट मैंने पावर भी लगाया, मतलब ताकत पूरा लगा दिया, फिर भी नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया है, फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो अंदर से टूट के शायद, या फिर कुछ शिफ्ट हो, उनका जो लॉक होता है ना, वो लॉक जो है वो शायद शिफ्ट हो गया या क्या हो गया। मैंने सोचा कि यार शाम हो गई है, इनफैक्ट रात हो गई है, तो फिर मैं क्या करूँ अभी, तो अभी कहीं बाहर से रिपेयर भी नहीं हो सकता और सारा हमारा व्लॉगिंग है सब आईफोन से ही है,
और आर्ट चैनल का भी है, वो भी उससे ही है। तो मैंने सोचा कि अरे यार अब तो ये प्रॉब्लम हो गई, और आईफोन जल्दी रिपेयर नहीं होता है, मतलब कि जनरली हर कोई नहीं करता है आसपास में, आईफोन स्टोर में ले जाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिस्क तो लेते हैं, कि बिना रिस्क लिए तो काम तो होगा नहीं। तो फिर मैंने ये पिन लेके आया, ये जो थोड़ा दिव्या से मैंने पिन बोरो किया, और उसको मुझे लगा कि जहाँ पे भी चीज़ें हैं वहाँ पे रुक रही है, उसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ हटाने के लिए, और हटाने की कोशिश तो मैं बहुत किया, मैंने नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर मैंने दूसरा मोबाइल में भी चेक किया मैंने कि आखिर वो कितना डेप्थ जा रहा है, तो मैंने कैलकुलेट किया तो हाँ इसमें तो कम आ रही है, फिर मैं क्या करूँ। फिर उसको भी मैंने किनारे किनारे से कर करके किया मैंने, तो फाइनली जो मुझे कुछ मिला इसमें से ये मिला है, और ये मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ कि ये क्या है और कहाँ से है और कैसे चीज़ें मिलती हैं, इसको भी आप संभाल के रखिएगा, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था कि क्या निकला उसमें से, और ये निकला, मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो टूट के ना, आईफोन का ही है, वो टूट के बाहर आ गई है। तो मुझे लगा कि चलो अब तो खैर काम करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये ऐसी कौन सी चीज़ टूट गई है जो कि नहीं टूटनी चाहिए थी। तो मुझे लगा कि एक और झटका लगा शायद मुझे, तो फिर मुझे पता चला कि अब मैं चार्ज में लगा रहा हूँ, मैं जैसे ये चार्जर है तो लग तो जा रही है, कोशिश कर रहा हूँ तो ये अभी जो है इंसर्ट हो जा रही है अच्छे से। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, चार्जिंग मैंने लगाया चार्जिंग भी हो रही है, जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो मैंने इसको इंसर्ट किया इंसर्ट भी हो गया, और चीज़ें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, चार्जिंग भी हो रही है, काम भी कर रहा है, सब कर रहा है। फिर मैं क्या, कहाँ से आखिर ये पार्ट कहाँ से आया, या तो आईफोन का गया कोई पार्ट जो है वो टूट के निकल गया है, और वो अभी जो है वो पता नहीं रिपेयर होगा कि नहीं, अभी टेम्प्रेरी में काम कर रहा है, करेगा नहीं करेगा। तो फिर मुझे लगा कि चलो चार्जर में देखते हैं, चार्जर का कोई पार्ट तो नहीं गया, तो यहाँ पर देख रहा हूँ यहाँ पर भी परफेक्ट है, तो फिर क्या हुआ। तो जब मैंने अगला चार्जर देखा तो मुझे पता चला कि ये जो मामला है ये सारी गड़बड़ी यहाँ से आई है, और ये गड़बड़ी की शुरुआत आयरा से हुई है। आयरा ने चबा चबा के, कभी कभी उसको चार्जर मिल जाता है तो वो चबा चबा के इसको एकदम ढीला कर दिया उसने, और ये ढीला करने की वजह से क्या हुआ कि फिर इसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो जो है वो निकल गया, और वो निकल के कहाँ रह गया, आईफोन में। और उसने क्या किया, कभी कभी वो क्या करते खींच देती है ज़ोर से, बच्चे यूजली ऐसे ही करते, तो ये जो पार्ट है वहीं रह गया। तो ये जो पिन की हेल्प से, जो कि एक सेफ्टी पिन है, कभी कभी ये बड़े से बड़े चीज़ें नहीं कर पाती हैं और ये कर जाती है, तो यहाँ पे मुझे ये हेल्प मिला। तो आपने देखा कि एक छोटी सी चीज़ कितना बड़ा जो है चीज़ें कर सकती है। अगर हमें पता नहीं हो तो फिर हम लोग आईफोन स्टोर के चक्कर या फिर कहीं पे भी लगाएंगे और चीज़ें निकलेंगी क्या, और उसमें भी आपका जो वर्क हैम्पर हुआ वो अलग, टाइम हुआ, टेंशन अलग। तो ये चीज़ें जो है एक छोटा सा सेफ्टी पिन ने भी बहुत बड़ा काम कर दिया, तो इसको भी संभाल के रखिएगा, कभी कभी काम आती ही है। और बच्चों से फ़ोन जितना दूर रखें उतना अच्छा है, और चार्जर खास करके, क्योंकि एक बार फ़ोन है आपके पास तो चलेगा ठीक है, चार्जर ही नहीं तो क्या करेंगे, रात के टाइम पे वैसे भी कहीं बाहर से मिल नहीं सकता, तो चीज़ें डिपेंडेंट रहनी पड़ेंगी, चीज़ें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा या फिर आगे भी मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए।